नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। 5 बज रहे हैं यानी वक्त हो चला है दिन की तमाम अहम खबरों से फटाफट अंदाज में रूबरू होने का। तो आइए सरपट 100 में इन खबरों से रूबरू होते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया अपना इस्तीफा, लिखा कांग्रेस की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात। राहुल ने लोकसभा चुनाव के हार की जिम्मेदारी भी ली। राहुल गांधी ने लिखा कि पार्टी के भविष्य के लिए इस्तीफा दिया है। राहुल ने कहा कि पार्टी को बनाने के लिए कड़े फैसले जरूरी हैं, मेरे लिए नया अध्यक्ष का नाम सुझाना उचित नहीं होगा। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा मेरा रोम रोम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी लोगों की आवाज दबा रही है। राहुल ने इस्तीफा ट्वीट करने के बाद अपना प्रोफाइल भी बदल दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष की जगह सांसद लिखा। सचिन पायलट ने राहुल से इस्तीफा वापस लेने की अपील की। सचिन पायलट ने कहा कि देश का हर कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल से इस्तीफा वापस लेने की अपील कर रहा है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद स्मृति ईरानी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा जय श्री राम। फारूख अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के इस्तीफे पर अड़े रहने की तारीफ की और कहा कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या बाहर से, यह अभी कहना मुश्किल है। केरल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, खादर कमेटी की रिपोर्ट लागू किए जाने से नाराज, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने एक खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीर, एक पूर्व प्रधान से सरेआम लहराए गए हथियार, अपने ही भतीजे को चाकू मारा। बाद में पूर्व प्रधान ने गुंडागर्दी की है, सरेआम हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो चुका है, पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंजाब के लुधियाना से सामने आई मौत से मजाक की तस्वीर, तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन को हाथ लगाने की कोशिश कर नदी में कूदते नजर आए युवक। तेज गर्मी से राहत पाने के लिए जान हथेली में लेते दिखे युवक, पखोवाल रोड के पास रेलवे पुल पर स्टंट करते नजर आए ये युवक, एक एक करके कई युवकों ने नदी में छलांग लगाई। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर स्कूटी सवार के साथ लूटपाट की, सीसीटीवी में कैद हुए दो बदमाश, सुनसान गली का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने साथे लुटेरों के गैंग को दबोच लिया है, हाल में लूटपाट की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने लूट के 16 लाख रुपए बरामद किए। दिल्ली में त्रिकाल गैंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, गैंग की वारदात का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, एक शख्स से 23,000 कैश, ज्वेलरी और कार की चाबी लूटकर फरार हुए। पंजाब के संगरूर में जमीन को लेकर बवाल, सालाना बोली के दौरान दो गुटों में टकराव और जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट में कई लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश कौरैया में भीड़ का बेरहम चेहरा नजर आया, चोरी के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई हुई, शख्स पर लात घूसों की बरसात करते नजर आए। प्रदेश के एटा में नियम कानून का पालन करना मारपीट का सबब बन गया, हेलमेट ना पहनने की वजह से पेट्रोल ना देने पर विवाद हुआ, पेट्रोल पंप कर्मचारी से जमकर मारपीट हुई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक बार फिर बच्चा चोर की अफवाह के चलते युवक की पिटाई कर दी गई, गांव वालों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले युवक को जमकर पीटा, मोबाइल के कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसके बाद हैरान करने वाला वीडियो देखने को मिला है, तेज धार में फंसा बाइक सवार लहरों से लड़ता नजर आया। बाइक सवार पर हमारों की नजर पड़ने के बाद शुरू हुई बचाने की कोशिश, कड़ी मशक्कत के बाद पानी की धार से उसे बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मजदूरों की आपसी लड़ाई की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, एक मजदूर ने दूसरे मजदूर को ट्रैक्टर से कुचल दिया, घायल मजदूर की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के बरेली में युवती के दिन दहाड़े अपहरण से हड़कंप, आधा दर्जन लोगों ने युवती का अपहरण किया, युवती के धंधों से सरेआम पिटाई हुई, सड़क पर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। में भारी बारिश के लिखे साइड इफेक्ट, लोकल ट्रेन में भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई, ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देती नजर आई महिलाएं भी, दो महिलाएं घायल हो चुकी हैं। लंदन में पुलिस को एक सिलसिले की तलाश है, ब्रिटिश लोगों पर हमला कर रहा है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमला करते सीसीटीवी में कैद हो चुका है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश से भारी तबाही मची है, तिवारे बांध टूटने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, बांध टूटने से करीब 12 मकान पानी में बह गए हैं, 7 गांव चपेट में आए हैं, राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। बांध टूटने के बाद अचानक आया पानी का सैलाब, कई लोग अब भी लापता हैं, बाढ़ के पानी में लोगों को खोजना बड़ी चुनौती है, सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके बाद मुंबई को बारिश से राहत, देर रात के बाद नहीं हुई बरसात, लेकिन अगले 72 घंटे तेज बारिश की चेतावनी। बारिश होने के बावजूद भी वेस्टर्न एक्सप्रेस पर लोगों को राहत नहीं मिली है, हाईवे पर लगा लंबा जाम, दफ्तर जाने वाले लोगों को 3 से 4 घंटे तक जाम का सामना करना पड़ा।
मुंबई के मलाड के सामने हादसे की तस्वीर। सब्वे में पानी भरने की वजह से फंस गई थी कार, दो युवकों की मौत। मुंबई के कांदिवली इलाके में गटर में गिरी एक गाय, गटर का ढक्कन खुला होने की वजह से यह हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे से बाहर निकाला गया। भोपाल में आज सुबह से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के 25 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कल से हो रही बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं, पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से लोग बेहाल हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देवास में आंधी तूफान से आई आफत, एक पीपल का पेड़ धराशायी हुआ, पेड़ के नीचे खड़ी जीप चकनाचूर। मध्य प्रदेश के बैतूल में पहली बारिश से ही खुली इंतजामों की पोल, 18 करोड़ की लागत से बने जिला अस्पताल में पानी ही पानी, महिला वार्ड में जल भरा। बारिश से अस्पताल की छत से बही पानी की धार, वार्ड में पानी को निकालते दिखे कर्मचारी, 15 दिन पहले सीएम कमलनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार 6 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सदस्यता अभियान का करेंगे आगाज, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर हुई बातचीत, कमिश्नर ने हौज काजी मामले में जानकारी दी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने बताया कि मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सीसीटीवी की मदद से कुछ लोगों की तलाश जारी है। हौज काजी इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आज से फिर शुरू हुई पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर सुबह की आरती की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लागू करेंगी सवर्ण आरक्षण, सरकारी नौकरी में आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण मिलेगा। पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर नहीं किया जाएगा बांग्ला, गृह मंत्रालय ने ममता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सिफारिश भेजी थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आकाश विजयवर्गीय के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेता खुलेआम हाथ में कानून लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अपराध से जुड़े सवालों पर झूठे जवाब दिए जा रहे हैं, ट्विटर के जरिए हमला बोला गया। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सभी विधायकों को आम की पीटी दिए जाने से सियासी बवाल मच चुका है, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सवाल उठाते हुए कहा चमकी बुखार से बच्चे मर रहे हैं और सरकार विधायकों को आम बांट रही है। कांग्रेस ने भी बिहार सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस ने कहा कि जो आम खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पूरे मामले में सफाई पेश करते हुए कहा कि हमने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे भी दिए हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। पूर्व विधायक कृष्णानंद हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और मुन्ना बजरंगी समेत सभी आरोपी बरी। बिहार में चमकी बुखार के बाद अब असम के जापानी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है, 28 लोगों की अब तक मौत हुई है, 100 से ज्यादा की स्थिति गंभीर है। जापानी बुखार के सबसे ज्यादा गुवाहाटी में मरीज हैं, असम में जापानी बुखार का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अब वहां जाएंगे। लखनऊ नगर निगम का अनोखा अभियान, हाउस टैक्स नहीं भरने वाले लोगों के घरों और घर के बाहर नगर निगम ने ढोल और डुगडुगी बजवाई, लाउड स्पीकर से भी टैक्स भरने की अपील की। हैदराबाद में नया ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया, खंबे के बजाय अब सड़क पर लगाई गई रेड और ग्रीन लाइट, नए ट्रैफिक सिस्टम को खुशी खुशी फॉलो कर रहे हैं लोग। चेन्नई में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से आग लगी। कर्नाटक के चिक्कबलपुर में हादसा हुआ है, बस और ऑटो की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में नदी में 3 बच्चियों के डूब जाने से हड़कंप, 2 बच्चियों को जिंदा निकाला गया, 8 साल की बच्ची अब भी लापता है। पुणे से सटे कबीरा देवी मंदिर में पहाड़ियों से गिरे पत्थर, हादसे में कोई श्रद्धालु हताहत नहीं हुआ है, ठाकरे परिवार के कुलदेवी हैं एक वीरा देवी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई, महिला ने 2 बच्चियों को जन्म देने के बाद दम तोड़ा, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेकाबू बस ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार महिला की बस से कुचलकर मौत, भीड़ ने बस ड्राइवर को खूब पीटा। उत्तर प्रदेश के मऊ में दिखा बीमार, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल, एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद मरीज को ठेले पर अस्पताल पहुंचाया गया। हैदराबाद में एक बायो कंपनी ने हादसे की एक कर्मचारी की मौत की खबर सामने आई है, मशीन गिरने की वजह से कर्मचारी की जान चली गई। राजस्थान के बारा से सामने आया चौंकाने वाला मामला, एक नाले के किनारे दिखे हजारों एटीएम कार्ड, किसानों को बांटे जाने थे ये एटीएम कार्ड। कश्मीर के किश्तवाड़ जेल में ड्रोन मिलने से हड़कंप, वॉच टावर से टकराने के बाद जेल परिसर में गिरा ड्रोन, जेल में कई खूंखार आतंकी बंद।
नोएडा में कोठी के अंदर बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप। महिला की बहन के घर पहुंचने पर हत्या का खुलासा हुआ है। महिला के मुंह पर बंधा हुआ था कपड़ा। दहिसर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। ऑटो रिक्शा से आए तीन चोरों ने एक सोसाइटी पर हाथ साफ किया। करीब 6 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में पुलिस और बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया। मथुरा में विदेशी कैदी के इलाज के दरमियान अस्पताल में मौत हो गई। नाइजीरिया का रहने वाला था युवक। अवैध रूप से मथुरा में रहने के मामले में जेल में बंद था। बिहार के वैशाली में मॉब लिंचिंग का मामला। कथित चोरों की गांव वालों ने पिटाई कर दी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में फिल्म की टिकट को लेकर संग्राम मचा। युवक ने सिनेमा हॉल के मैनेजर और उसके सहयोगी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। ओडिशा के भुवनेश्वर में चोरों ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कार बाइक चोरी के दर्जनों मामले इन पर दर्ज है। पुलिस ने चोरी की कई गाड़ियां इनसे बरामद कर दी। रूस में बाढ़ का कहर जारी है। साइबेरियाई इलाके में सैलाब का संकट। बाढ़ से पूरे इलाके की स्थिति बेहाल नजर आ रही है। रूस में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन ने बाढ़ प्रभावित इलाके में सेना भेजने का आदेश दिया। लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायरिंग से सनसनी मच गई। 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अल जरदारी का इंटरव्यू अब नहीं प्रसारित हो सकता है। इस पर रोक लग चुके हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों ने फैसले की निंदा की। नवाज शरीफ और जरदारी को लेकर बोले पाकिस्तान पीएम इमरान खान। कहा कि नहीं बरतेंगे नरमी। लूटा हुआ धन वापस करने के बाद छोड़ सकते हैं पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी देते हुए कहा परमाणु समझौते का उल्लंघन करके ईरान आग से खेल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल भारतवंशी कमला हैरिस ने बनाई बढ़त। हैरिस राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने की कोशिश में जुटी हैं। चिली और अर्जेंटीना में दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण। कुछ देर के लिए छाया अंधेरा। एक छल्ले की तरह नजर आए सूर्य। जर्मनी के जंगलों में भीषण आग लगी थी जिस पर काबू पाया नहीं जा सका है। 600 हेक्टेयर जंगल अब तक चपेट में आ चुका है। थाईलैंड में एक घोड़ा 5 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस घोड़े को गड्ढे से बाहर निकाला गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अस्पताल में इमरजेंसी सर्विस के स्टाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने खुद को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर विरोध दर्ज कराया। अमेरिका के अलास्का में जंगलों में लगी आग से ग्लेशियर पिघलने और नदियों का जलस्तर बढ़ने को लेकर लोग परेशान हैं। डॉक्टर्स ने इस इलाके में 40 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को बाहर निकलने से मना किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सावधान करने वाला एक वीडियो। छोटी सी लापरवाही से बच्चे के जान पर बनाई। खुले मेन होल में बच्चे के गिरने से हड़कंप मचा। इंग्लैंड के कॉन्वेंट्री सिटी के बहादुर महिला का एक वीडियो तेजी से फैल रहा है जिसने चोर के छक्के छुड़ा दिए। महिला की बहादुरी की वजह से एक चोर एक स्टोर से साइकिल चुराने में नाकाम रहा। अफ्रीकी देश जाम्बिया में पर्यटकों के लिए एक ग्रुप को गजराज के गुस्से का सामना करना पड़ा है। जाम्बिया के एक चिड़ियाघर में कुछ अमेरिकी पर्यटक एक हाथी की तस्वीरें खींच रहे थे तभी यह गजराज गुस्से में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सड़क पर चमत्कार का वीडियो। एक बाइक और कार की जोरदार टक्कर हुई। हवा में उछलने के बाद सीधा खड़ा हो गया बाइक सवार। युवक ने पहन रखा था हेलमेट। नॉर्थ गोवा से वायरल हुआ गाय का फुटबॉल खेलने का वीडियो। युवकों के साथ फुटबॉल खेलते वक्त अचानक बीच में गाय आ गई और काफी देर तक फुटबॉल पर कब्जा कर रखा था। आइस बकेट चैलेंज के बाद बॉटल कप चैलेंज का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। टीम इंडिया की 83 साल की फैन का वीडियो वायरल हुआ। कल के मैच में बुजुर्ग महिला टीम इंडिया को चीयर करने पहुंची हुई थी। जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को आशीर्वाद दिया। भारत में सैमसंग के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। करीब 1000 लोगों की छटनी कर सकती है कंपनी। मुनाफा घटने की वजह से यह फैसला ले सकती है। आरबीआई ने पीएनबी समेत 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। चालू खाता खोलने के नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगा। मशहूर एक्ट्रेस नफीसा अली ने पोर्टफोलियो शेयर करने के बाद काम मांगा है। कैंसर से जंग लड़ने के बाद अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं। पेनल्टी का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। फिल्म में लीड रोल में के हैं और फिल्म की कहानी फुटबॉल खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूमती है। अनुपम खेर जोया अख्तर और अनुराग कश्यप को ऑस्कर से न्योता मिला है। 842 नए सदस्यों को इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। फिल्म दबंग 3 के लिए आप जमकर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे सलमान खान। फिल्म के लिए 7 किलो तक वजन
घटा सकते हैं। फिल्म जजमेंटल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म के स्टार कास्ट मौजूद थे। फिल्म में कंगना लीड रोल में। आज 200 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है शाहिद कपूर की फिल्म कबीर से 11 दिन में 190 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने अपनी फिटनेस का राज खोला है। जिम में जमकर पसीना बहाया, फैंस के लिए वर्कआउट का वीडियो शेयर किया। इम्तियाज अली की लव आजकल 2 के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग कार्तिक और सारा अली खान ने पूरी कर ली है। फिल्म के सेट से सामने आया वीडियो काफी इमोशनल नजर आए कार्तिक।